सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग कहेगा यार, गुड आफ्टरनून हो रहा है ना। तो अभी ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ना, क्योंकि आज जैसे ऑफिस से आया वैसे ही ये सब तैयार थे कहाँ जाने के लिए, मेरठ। भाई साहब सडनली प्रोग्राम बन गया एकदम मेरठ जाने के लिए। और ये देखो इसकी वजह से केवल तो यार जल्दी जल्दी तैयार हो चुके हैं फुल तरीके से। जल्दी जल्दी भाई, मेरे को इतनी नींद आ रही ना, अब मुझे एक गाड़ी चलानी, बाहर उठ जा रहे हैं जी। तो नींद भगाने के लिए कॉफ़ी पीते चलेंगे क्यों? इसको सबसे ज़्यादा चुल है जाने की। अच्छा खासा भाई साहब लेट गया था, आराम कर रहा था, मैं रेस्ट कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने फुल पैकिंग गुरु फुल तरीके से पैकिंग कर रखी थी, कि मतलब कि इन लोगों पहले से प्रोग्राम था यार। तो चलो जी चलते हैं, क्या कर सकते हैं, इनके आगे कुछ नहीं चलती। तो सबसे पहले तो इन लोगों ने लगेज मगेज सब तैयार फिट तरीके से गाड़ी में भी रख लिया भाई। इन लोगों को मतलब कि यकीन था पूरा कि मतलब चलना जाना ही पड़ेगा। तो चलो चलते हैं बाय रोड, देखना पड़ेगा भाई बाय रोड। अभी निकलना है 2 बजे और कितने बजे पहुँचते हैं मेरठ ये देखो गुरु। अरे एकदम हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, जैसे पहले आ जाता है ये देखो, देख रहे हो कितना क्रेज है भाई मेरठ जाने का। देखो भाई साहब बैग मैग रख के बिल्कुल किट हो गए थे, फिट एकदम। ये देखो ये सब गाड़ी के अंदर, ये देखो। चलो आ जा भैया। चलो जी निकल चुके हैं यहाँ से मेरठ के लिए। बहुत ही सडन प्रोग्राम बनाए हैं इनकी वजह से, इन लोगों की वजह से। मुझे तो प्रोग्राम भी नहीं मालूम था यार, इन लोगों ने पता नहीं कब से कैसे क्या कर दिया सच में यार। तो यार यहाँ से निकलते हैं। तो बोलो श्री अम्बे माते की जय, जय हो बालाजी बाबा की जय। चलो जी तो सबसे पहले यहाँ से हमें लेना है डीजल, क्योंकि डीजल बिल्कुल खाली है भाई। चलो यार डीजल डलवाना है, इसमें डीजल डलवाना जरूरी है। तो हमेशा की तरह हमने जो हाईवे है ना वो हाईवे पकड़ लिया है। और ऊपर देखो क्या शानदार लग रहा है यार, बादल हैं, क्लाउड्स कितने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन यार अगर बारिश आ गई ना तो समझ लो पूरी जर्नी अमेजिंग हो जाएगी यार। तो यार जर्नी भी तो इन्जॉय करना है ना अपन को। तो मेरा देखो मेरा तो सबसे बढ़िया यही रहता है, देखो मेरे को डेस्टिनेशन नहीं जाना, मेरे को जर्नी इंपॉर्टेंट लगती है मुझे। तो जर्नी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, तो जर्नी इंपॉर्टेंट तब बनेगी जब बारिश होगी। और फिलहाल तो अभी बारिश की कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो तुम्हें कैसा लगेगा अगर बारिश हो गई तो? मेरे को तो बारिश बहुत पसंद है। क्यों? तीन बार भीग चुका हूँ। फिर से ये तीन पंछियाँ हम लोग के साथ फिर से आ गए हैं और निकल चुके हैं मेरठ के लिए। हाँ जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखो ये होती है कैटल्स की, ये जितने भी हैं मवेशी कहते हैं ना गाय जानवर होते हैं जो यहाँ की जो कैटल्स होते हैं ना, वो मतलब समझ लो कि रोड के बीच में खड़े रहेंगे भाई। ये साइड में यहाँ पर भी खड़े रहते हैं और देखो रोड के बीच बीच में यहाँ पर बिल्कुल। तो यार इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, गाड़ी वालों को ब्रेक लगाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यार, बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। तो यार इसका कुछ सॉल्यूशन है कि नहीं है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। चाहे आंखों का मेरा दीन धर्म है मुझसे तेरी खुदाई। चुका हमारा फर्स्ट स्टॉप 84। यहाँ पर ना रुकना इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि सांस लेना। चलो जी यहाँ पर करते हैं दर्शन। भैया मंदिर के तो टॉप को बना दिया पीछे है ना। चलो जी यहाँ पर देखो, यहाँ पर यार कभी भी आ जाओ ना तो आपको मतलब खाली मिलेगा नहीं है, इतनी मान्यता बढ़ चुकी है यहाँ की। ये अपना 84 हनुमान जी का मंदिर, यहाँ पर करते हैं बढ़िया दर्शन और यहाँ से फिर निकलेंगे आगे। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3:38।
6 जैसन हो चुके हैं, अब देखते हैं यहाँ पर क्या खाना है कुछ क्या तुम्हें है? मैडम कुछ खाना है, खा लो भैया। अरे तुम उधर क्या जा रहा है, इधर आओ। अरे कुछ खा लो बेटा तुम भी, यहाँ आया वो समोसे और चाय नहीं पीना, सबसे बेकार है गुरु, ना जरूरी है समोसे चाय पीना। दर्शन करके ग्वालियर का जो बाईपास है ना, ये पकड़ लिया है और अभी 4:06 हो रहे हैं भाई साहब, 10-11 बजे पहले नहीं पहुँच पाएंगे मेरठ, गारंटी है, क्योंकि अपन आराम आराम से जाएंगे ना, चिल करते हुए, अब मैं कोई वो नहीं है जल्दी, तो अपन वैसे भी ऑलरेडी 2 दिन पहले जा रहे हैं। मेरा जो जाने का प्रोग्राम था ना वो कल सुबह था मॉर्निंग का, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि घर आते ही प्रोग्राम बिल्कुल चेंज हो जाएगा भाई, ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं हमारे, तो ऐसे ही एक प्रोग्राम मैं बनाऊंगा इन लोगों को, देखना इन लोगों को पता नहीं चलेगा कैसा प्रोग्राम बना गया। और गौरव शर्मा जा रहा है, ये जा रहा ट्रिप पे सीधे, सोलो ट्रिप, एक सोलो ट्रिप का प्रोग्राम बनाना है मुझे जो कि मैं बना के रहूँगा। और ये देखो सोलो ट्रिप के नाम से सुन के ही हाँ सर पे हाथ रख लिया सोलो ट्रिप तो जाएगी गुरु ऐसा। मुझे देखो आज 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ खड़े हुए और पता नहीं क्या है, ये है मैं बता रहा था, ये है नेशनल हाईवे कश्मीर से कन्याकुमारी वाला, और इस समय अपन चल रहा है बामौर, ग्वालियर निकल चुका है, और ये सबसे ज़्यादा दुखदाई है ना, सबसे ज़्यादा आगरा तक अब ये दुख ऐसे ही दुखदाई रहेगा, बीच बीच में इसी तरह से रहेगा, पूरा ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक रहता है इस रोड पे, इतना हाईवे पे आगरा तक, आगरा के बाद जब अपन यमुना एक्सप्रेस वे पर चढ़ेंगे ना तब आएगा मज़ा, ऐसा क्रूज पे लगा के 100 पे क्रूज लगा देंगे और ये अपन बैठिए आराम से बैठेंगे, चिल मारेंगे, खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से निकलना जरूरी है आगरा तक। हर पल यही कहूँ मैं आई लव यू, ये देखो गुरु भाई साहब मुरैना का जो ट्रैफिक है ना बहुत ही खतरनाक है यार, मतलब यार समझ लो इतना दुख हो जाता है ग्वालियर से लेकर आगरा तक, बहुत परेशान होते हैं यार। अगर ये रोड हाईवे बन गया ना, ये जो सीधा ग्वालियर से निकलेगा जो यमुना एक्सप्रेसवे में अटैच होगा, कनेक्ट होगा जो, भाई साहब पता चल जाएगा, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, मतलब समझ लो झांसी से दिल्ली, इतना बढ़िया रास्ता हो जाएगा, इतना अच्छा रास्ता हो जाएगा रोड, टाइमिंग कम हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, मतलब बिल्कुल मिला जुला के बाद ये है। तो जी एक स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुके हैं यहाँ पर और मस्ती चाय पीते हैं, चाय के लिए बोल दिया कम शक्कर, बढ़िया बेहतरीन चाय अदरक वाली और थोड़ी सी इलायची डलवा के। और ये देखो तुम्हें चाहिए चाय पीना है क्या? अरे ये देखो अरे नहीं पकड़ नहीं पाओगे। देखो गुरु मस्त चाय पी रहे हैं, मस्त गुल्लड़ वाली चाय, और आज तो बिहार में चाय पी रहा भाई। भाई ये देखो यार ट्रैफिक, ये देखो गाड़ी में 3-4 बच्चे बैठाए हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल में 3-4 बच्चे बैठाए घूम रहा है, और ये फ्लाई ओवर है आगरा का, भाई इतना ट्रैफिक मतलब समझ लो कि ग्वालियर से आगरा तक बहुत ट्रैफिक मिला आज, पता नहीं क्या यार खूब ट्रैफिक आज, ट्रकों का ज़्यादा ट्रैफिक है यार, गाड़ियों का ट्रकों का ज़्यादा है, अब जो ये लोकल्स है ना, ये लोग मानते नहीं है यार, लोग बीच में एकदम गाड़ी देके एकदम बिल्कुल घुसे चले आते हैं, अब कितना बचाएं यार इनसे, कुछ ना कभी अभी टच हो जाए तो फिर लफड़ा। लो जी 200-300 साल बाद हम आखिरकार पहुंच चुके हैं एक्सप्रेस वे पे, भाई घोड़े खुल गया आज तो, इतना ट्रैफिक मुझे शायद पहले कभी नहीं मिला। देखो भाई ये आ गया टोल टैक्स, जरा टोल टैक्स है ना यहाँ पर ये बदतमीजी होती है, ये ना ये क्या है कि बना दिया है इनर रोंग, जरा सी जो किलोमीटर है ना ये इनर रोड है, जो इनर रिंग रोड है जो आगरा की, इसके लिए बनाया हुआ है टोल टैक्स, वैसे था नहीं ये कोई, अब ये बना दिया, पहले तो इसमें आप तो फास्ट टैग लगा दिया है, पहले तो फास्ट टैग भी नहीं था,
यहीं पर, इस साइड, इसी साइड है कहीं पर लड़का जिसने बदतमीजी करी थी उससे, विकास भाई से अपने। इस समय हो चुके हैं 10 बज चुके हैं। अभी हम ना परी चौक पहुँचे यहाँ पर। बताओ भाई, इतना ट्रैफिक होने के बाद भी ना आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए। आज तक कभी इतने लेट नहीं हुए जितना इस बार लेट हुए हैं। 10 बजे हैं और हमें परी चौक है अभी, हमें 2 घंटे लगे हैं। मतलब भाई मेरठ पहुँच चुके हैं और इस समय हो रहा है 11:30। भाई 11:30 बजे मेरठ पहुँचे हैं अपन। हैं सब लोग भाई, सब रेस हो रहे हैं। हम दो है, हम दोनों जगह हैं बस, केवल बाकी सब ढेर हो चुके हैं। ये देखो, और मेरठ में यार मेट्रो काम चल रहा है, यहाँ पर भी काफी हद तक पूरा हो चुका है। यार पहले आए थे ना, अभी मैं और पहले अभी, हाँ अभी और पहले में कितना फर्क हो गया ना। जल्दी पहले घर पहुँचते हैं यार, 11:30 बज गया, मतलब 12 बज जाएगा घर पहुँचते। आ चुके हैं वापस हम घर पे अपने मेरठ में। भाई बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हो गई, देख रहे हो, इतना ट्रैफिक आज तक मुझे नहीं मिला बिल्कुल में वाकई में यार। तो करते हैं ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म, और मिलते हैं कल आपको। अभी इस समय ना कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है यार, जो कैपेसिटी है ना वो ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल गाड़ी चला के। मतलब इतना ट्रैफिक यार नहीं मिला मुझे आज तक, अभी इतना ट्रैफिक आज तक कभी नहीं मिला मुझे, हालत दिख रहा है आप तक। तो करते हैं वीडियो खत्म, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, और कल देखते हैं कहाँ जाते हैं। अपने पास 2 दिन अभी, सैटरडे संडे, मंडे को रक्षाबंधन है ना, तो 2 दिन उनको एक्स्ट्रा लेके आए हैं। तो मेरा मन है हरिद्वार जाने का, और अगर प्रोग्राम बनता है तो हरिद्वार जाएंगे और ऋषिकेश, 2 जगह जाने का प्रोग्राम मेरा। तो करते हैं वीडियो खत्म, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ गुड नाइट, बाय।